आपको करना क्या है कि आपको जाना है YouTube के एप्लीकेशन पे, ठीक है। अब यहाँ से आपको आपको अपनी वीडियोस को अपलोड करना है। कैसे करना है तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, प्लस वाला साइन है, प्लस वाला साइन, और वीडियो को देखते रहो एंड तक। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि इस वीडियो का आप अगर 5 मिनट टाइम देते हो आज, तो आपका लाइफ टाइम का सवाल है, आप आराम से अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। पूरा दिखाऊंगा कैसे टैग लगाना है, क्या करना सब कुछ। तो यहाँ से दोस्तों आपको वीडियोज में जाना है, देन आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो को आपको अपलोड लगाना है। तो मान लीजिए मेरा जो है ये है वो वीडियो, ठीक है, तो मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या करना है गाइज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जो प्राइवेसी पे आपको दिख रहा है पब्लिक अनलिस्टेड एंड प्राइवेट, तो आपको यहाँ पे अनलिस्टेड करके रखना है। अनलिस्टेड का मतलब ये होता है कि आपका वीडियो जो है अपलोड हो जाने के बाद कोई देख नहीं पाएगा, सिर्फ आप देख पाओगे। और प्राइवेट में भी वही सेम चीज़ है, लेकिन अनलिस्टेड में अच्छा रहता है। अनलिस्टेड करके ही मैं अपने वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे क्या करना है, अनलिस्टेड करना एंड टाइटल पे वो वीडियो का टाइटल दे देना जो कि ये वीडियो है। तो मान लीजिए ये वीडियो मेरा अगर टिकटॉक से रिलेटेड है तो मैं टिकटॉक लिख दूंगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स मैंने टिकटॉक लिखा, एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारा डिस्क्रिप्शन क्या करना है, डिस्क्रिप्शन को गाइज आपको क्या करना है कि अपने डिस्क्रिप्शन को हमेशा अपने जो है फोन के नोटबुक पे नोट करके रखना। देन नोटबुक पे पूरा डिस्क्रिप्शन नोट रहेगा, वहां से सिर्फ कॉपी करना और यहाँ पे आके जो है डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देना, ठीक है। ये जो देख रहे हो डिस्क्रिप्शन, इसको आपको यहाँ से पेस्ट कर देना है, सिंपली से कॉपी पेस्ट कर देना। देन यहाँ अनलिस्टेड करके और वीडियो को अपलोड कर देना। अब जब इसको आप अपलोड कर दोगे तो ये कोई देख नहीं पाएगा, सिर्फ आप देख पाओगे। अब गाइज यहाँ पर अनलिस्टेड हो जाने के बाद आपको जाना है अपने फोन के YT स्टूडियो के क्रिएटर स्टूडियो इसमें ऐप पे, और ऐप पे जाने के बाद क्या करना है कि उस वीडियो को ओपन करना है। देन आपको जो है यहाँ से एक पेन वाला सिंबल दिख रहा है, आपको पेन वाला सिंबल पे जाना है, वहाँ से अपलोड कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, आपको थंबनेल लगाना है, सबसे पहले एडिट थंबनेल के ऊपर जाना है, देन यहाँ से कस्टम क्लिक कीजिएगा चेंज, उसके बाद थंबनेल आपका आ जाएगा, थंबनेल को सिलेक्ट कर लेना, थंबनेल दे देना। तो टाइटल आपका पहले से दिया हुआ रहेगा, डिस्क्रिप्शन भी आपका दिया हुआ रहेगा। अब सिंपली से नीचे आपको मिल जाएगा ऑप्शन टैग्स का, तो टैग्स में अभी आप देख सकते हो मैंने क्या क्या लिख रखा है। मतलब ही बेटा, ये स्पेलिंग गलत है थोड़ा, मतलब ही बेटा, मनोज दे ब्लॉग्स, एक्टर मनोज दे लिख कर रखा, कॉमेडी वीडियो, इंस्पिरेशनल वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, कोमा दे देके आपको जो है सारा टैग्स लगाना है, मतलब ही बेटा, मोटिवेशनल वीडियो, न्यू कॉमेडी वीडियो। तो इस तरह से मैंने कुछ टैग्स लगाए हैं। तो आपको जो क्या करना है, यहाँ से टैग्स में सिर्फ आपको कोमा दे करके जो है अपना सारा टैग लिख देना है जो आपका टाइटल में है। और ये जो टाइटल रहेगा ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी होना जरूरी है, जैसे ये देख सकते हो टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिख रखा है। उसके बाद ये रहा डिस्क्रिप्शन का पूरा सारा डिटेल, उसके बाद यहाँ से जो है आपको टैग्स लगाना है। उसके बाद सारा डिटेल सेव करने के बाद गाइस यहाँ से आपको पब्लिक, यहाँ आपका अनलिस्ट क्या हुआ रहेगा, ठीक है। सबसे पहले अनलिस्ट रहेगा, आपको सिंपली से यहाँ से क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ से पब्लिक पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से जो है सेव कर दीजिएगा। सेव जैसे कर दीजिएगा आपका वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको अपने वीडियोस को अपलोड करना है, जो कि सिंपल सा तरीका है। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आ गया है सारा कुछ। तो उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल पर नहीं होते या सब्सक्राइब कर लेना। चले आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।